हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, कमेंट करके जरूर बताना। और आज है ट्यूसडे और हम लोग ही मतलब मैं कहीं गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, कोई बहुत जरूरी काम था सोसाइटी में, तो फिर अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ, मतलब 1 घंटा पहले। और उसके बाद तुरंत आती ही मैंने कुछ भी अपना, मेरा मेकअप और मेरी ड्रेस तो आप देख रहे होंगे, बस ऐसे ही आते फिर मैं खाना बनाने लग गई। और अभी तविशी पढ़ाई कर रही है क्योंकि उसके एग्जाम्स हैं। और आप अभी मैं आपको किचन दिखाती हूँ, देखो कितना मैस हो रखा है, क्योंकि आई हूँ और इतनी भूख लग रही थी ना, सारा किचन का जो हाल है ना, ये देखिए। अभी मैंने साफ नहीं किया, सिर्फ खाना खाया और बनाया, खाया। और हस्बैंड अभी खा रहे हैं, तविशी खा चुकी है। और फिर अब इसके बाद अब मैं जल्दी से ये सारी क्लीनिंग करूंगी। आज कोई भी मुझे ब्लॉग बनाने का सुबह से टाइम नहीं मिला, सुबह से ही बहुत ज्यादा बिजी थी। और अभी इसके तविशी के एग्जाम्स भी चल रहे हैं ना, इस वजह से मेरी जरा बैंड बजी हुई है आजकल अच्छे से। थोड़े से दिन और है, एक दिन काउंट कर रही हूँ अपना रो के। और फिर इसके बाद तो फिर फ्री हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और अभी जल्दी से किचन क्लीन करती हूँ। सच में ना इतनी थकान हो गई थी ना, जब बहुत ज्यादा भूख लगती है ना, फिर कुछ भी साफ सफाई बिल्कुल ध्यान में नहीं रहती, वही आज मेरे साथ हुआ। जल्दी से खाना बनाया, खाया, और ये जो सारा फैला हुआ है ना सारा सामान अब जाके समेटूंगी। और बहुत थकान हो रही है, बहुत ही ज्यादा, आप देख सकते हैं मेरे हाल। बर्तन धोकर आई हूँ और अब ये कपड़े हैं थोड़े से, ये फोल्ड करने हैं ये, क्योंकि आजकल तो फटाफट जैसे मशीन लगाओ एकदम से कपड़े सूख जाते हैं। धूप काफी तेज है और एकदम से थोड़ा सा बदलाव सा आने लगा है मौसम में, मतलब सुबह और शाम थोड़ी सी हल्की सी, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ी ठंडी सी होने लगी है। ठंडक मतलब 1-2%, ऐसा भी कोई खास ज्यादा नहीं। और अगर मैं बिना बर्तन धोए आपसे बातें करने लग जाती तो फिर मेरे को ये लगा रहता, अरे बर्तन रहते हैं, उनका वो काम खत्म कर लूं फिर ही बात करूं। अब मुझे थोड़ी सी तसल्ली है कि भाई अब मेरा काम हो चुका है और अब मैं फ्री हो गई हूँ। नहीं तो फिर ऐसे ही सर पे ऐसा लगा रहता है कि बहुत सारा काम है। और बर्तन मुझे बहुत ही गंदे लगते हैं सिंक के अंदर पड़े हुए, बहुत ही ज्यादा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कियारा के कुछ प्रोडक्ट आए हैं मेरे पास और वो बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग में आए हैं। तो कुछ ऐसे पैकेजिंग है इसकी, ये ऐसे बास्केट में आया था, ये मैंने खोल लिया है, लेकिन ये कैसी बास्केट थी वो मैं आपको अभी दिखा दूंगी थोड़ी देर में। और बहुत ही सुंदर सी क्यूट सी इसकी पैकेजिंग है, इस तरीके की इसकी बास्केट है और बहुत ही मजबूत सी। इसको कहीं ना कहीं मैं होम डेकोर में यूज कर लूंगी और इसके प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छे हैं। मैं इसके प्रोडक्ट पहले भी यूज कर चुकी हूँ, मेरे पास पहले इनके सोप्स आए थे, वो भी इतने अच्छे थे ना बस पूछे मत। और अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये वाले जो मैं प्रोडक्ट यूज करूंगी ना ये भी उतने ही अच्छे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि इनके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो हैंड क्राफ्टेड होते हैं और इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता। पैराबीन वगैरह जैसे जो चीजें होती हैं वो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं, तो इसमें ऐसे कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, तो आप आंख बंद करके इस पे भरोसा कर सकते हैं। और इसका जो लिंक है इनकी वेबसाइट का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। और एक बात और बता देती हूँ, इनमें इनकी जो पेमेंट है आप ऑनलाइन ये जो प्रोडक्ट है मंगा सकते हैं, और इनकी जो पेमेंट है आप या तो ऑनलाइन इनकी कैश कर सकते हैं पेमेंट, या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले ही ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो उसमें आपको कोई ना कोई एक गिफ्ट जरूर ये भेजेंगे आपको। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं तो फिर वहां पर आपको 50 रुपीज जो डिलीवरी चार्जेस है वो आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ इनके 2 ऑप्शन है, आप चाहे तो कैश ऑन डिलीवरी कर दीजिए या ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। और ये आया है मेरे पास मुल्तानी मिट्टी का फेस पाउडर बोल रही हूँ, मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। और मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे ना मुल्तानी मिट्टी ही सबसे ज्यादा अच्छी लगती है फेस पैक के लिए, तो मैं हमेशा रोज वाटर मिलाती हूँ और अपने फेस पे मुल्तानी मिट्टी को मिक्स करके अपने फेस पर लगा लेती हूँ। और मुझे ना और कोई फेस पैक अच्छे लगता ही नहीं है, तो मैंने तो मुल्तानी मिट्टी है ये जो है एक और मंगा ली है। वैसे तो आपको पता ही है कि मैंने कई बार आपको दिखाया भी अपने वीडियोस में, अपने फेस पे मुल्तानी मिट्टी ही लगाती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ये। और अब ये एक और मेरे पास पैक आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी पहले वाली मुल्तानी मिट्टी वैसे भी खत्म होने वाली थी। और इसके बाद आया है मेरे पास ये शावर जेल लेवेंडर, और ये है कितना 200 ml की बॉटल है, शावर जेल है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है शावर जेल वगैरह। और पर्पल इसका कलर है, लेवेंडर है ना इसलिए। और फिर दो चीज और मंगाई है मैंने। एक मंगाया है मैंने ये एंटी टैन फेस स्क्रब, और ये भी मुझे बहुत ही अच्छा सा लगा। कुछ ऐसा है ये, आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसको यूज करके जरूर दिखाऊंगी। और ये वाला जो बॉडी बटन है ये भी बहुत ही काम का है। इसके अंदर इमली है, जो इनका मेन इंग्रेडिएंट है ना, वो इमली वाला ये, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये देख के। और स्किन को ग्लोइंग करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए ना जो इमली है बहुत अच्छा काम करती है, तो मैं ये बॉडी बटन भी जरूर यूज करूंगी। तो ये चार चीजें हैं जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो आप भी जाकर यहाँ पर जो मैंने लिंक दिया है वहां से आप ये प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। और अब मैं चल रही हूँ अपने रूम में, क्योंकि यहाँ बैठ के मैंने अभी वीडियो बनाया, हालत खराब हो गई, बहुत गर्मी लग रही है और तविशी पड़ रही है रूम के अंदर। तो मुझे लगा कि नहीं जाती हूँ, लेकिन अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। कुछ मैंने ये कपड़े भी पहने हुए, ये भी अभी चेंज करूंगी और अब तसल्ली से बैठूंगी आराम से। तविशी भी यहीं बैठ के पढ़ रही है और कह रही मुझे मत दिखाना, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, थोड़ी सी बात करनी है मुझे। तविशी का ना हिंदी का पेपर है अभी, आपको ना मुझे इसका हिंदी का पेपर है, तो एक बहुत ही फनी सी बात याद आई, वो आपको बताती हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि तविशी का ना हिंदी का जैसे पेपर है, तो तविशी ना हिंदी में बहुत ही ज्यादा धुरंधर है। धुरंधर का मतलब बहुत विद्वान है। विद्वान कैसे, मैं बताती हूँ। तविशी ना जो फर्स्ट क्लास में थी, तो फिर क्या हुआ, इसका हिंदी का एग्जाम था और बच्चे ना जैसे होते हैं ना, अपने पेरेंट्स की ना बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो ऐसे ही एक दिन जिस दिन इसका पेपर था उससे एक दिन पहले मैं और मेरे हस्बैंड आपस में बात कर रहे थे और ये हमारे आसपास खेल रही थी। तो हम जैसे बचपन की बातें याद करते हैं, तो उस वक्त हम लोग, मैं और हस्बैंड बात कर रहे थे। तो मैंने बोला कि ना हम बचपन में, हमारे कितना अच्छा होता था, हम लोग कॉमिक्स पढ़ा करते थे, तो मोटू पतलू होते थे और चाचा चौधरी होते थे, और चाचा चौधरी कैसे साबू के साथ मिलके लोगों की मदद किया करते थे। तो ये सारी बातें मुझे नहीं पता था, तविशी भी बैठी हुई है और हमारे साथ सुन रही है। तो नेक्स्ट डे मैंने तविशी को कुछ क्वेश्चंस बना कर दिए जो उसके क्लास फर्स्ट में ही थे। तो उसमें था कि 3 महापुरुषों के नाम लिखो, तो तविशी ने लिखे थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और थर्ड इसने लिखे चाचा चौधरी। तो मैंने कहा कि तविशी ये तूने चाचा चौधरी किस लिए लिखा है? तो फिर इसने बोला कि मम्मा आप कह नहीं रहे थे कि वो सबकी मदद किया करते थे, बहुत ही अच्छे थे और उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। मैंने कहा बेवकूफ, ये कोई रियल नहीं है, ये तो फिर कॉमिक्स वगैरह के जो है ना वो कैरेक्टर हैं, तो ये रियल कोई इंसान नहीं था। कह रही अच्छा। और मैंने अच्छा हुआ वो क्वेश्चन जो है इससे लिखवा कर देख लिया, और बाय चांस इसने वो चाचा चौधरी जो इसके दिमाग में आया वो इसने लिख दिया, नहीं तो ये पेपर में लिखती ना तो फिर मैम कितना हंसती। और मैं इसे जानती हूँ, इसका नेचर ऐसा है, अगर मैम बोलती ना कि ये किसने लिखवाया, तो ये बोलती कि मेरे को मम्मा ने लिखवाया। तो ऐसे से बच्चे हरकतें करते हैं। गुड इवनिंग, और मैं अभी आ गई हूँ किचन में, शाम हो रही है, चाय बना रही हूँ और साथ में ना थोड़ी सी मूंगफली रोस्ट करूंगी, बहुत क्रेविंग हो रही है चाय के साथ कुछ लेने की। और वैसे तो मुझे नमकीन चिवड़ा जो होता है ना वो भी बहुत अच्छा लगता है, उसको भी सोच रही थी अभी बनाने की, लेकिन काफी लेट हो गया। अभी तविशी का एग्जाम है जैसे, तो उसका सुनूंगी भी अभी उसने क्या क्या याद किया, इसलिए कल करूंगी ये काम। और सोच रहा हूँ ना कढ़ाई बदल लूं अपनी। पहले क्या होता था, पीतल के बर्तन हुआ करते थे, मेरे को याद है मेरी मम्मी के पास भी ना पीतल की कढ़ाई होती थी, और फिर बाद में पता नहीं क्या वो मम्मी को यूजलेस लगने लगी, तो मम्मी ने उसको शायद बर्तन वाले को ही रिटर्न कर दिया था, वापस कुछ और बर्तन ले लिए थे। ऐसे मेरी मदर इन लॉ भी बताती हूँ, उनके पास भी बहुत सारे पीतल के बर्तन थे और उन्होंने भी ऐसे ही, क्योंकि उनको साफ सफाई में, उनको मेंटेन करना, उनको ढंग से रखना है ना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। ऐसे ही मेरी मम्मी बोलती हैं और ऐसे मेरी मदर इन लॉ बोलती हैं कि कितनी बड़ी गलती हो गई, और अगर पता होता कि इतने बेनिफिट्स होते हैं पीतल के बर्तन में खाने के, तो फिर हम लोग कभी भी ना ऐसे इन बर्तनों को बेचते ही नहीं। और अब पता चलता है कि कितने बेनिफिट्स हैं। और मेरे पास मेरी मम्मी की दी हुई सिर्फ ना एक बहुत बड़ी सी परात है पीतल की, बाकी तो आजकल तो स्टील के ही बर्तन चलते हैं, और ये नॉन स्टिक में ले लिया अब तो, लेकिन नॉन स्टिक यूज नहीं करना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ बदलूंगी। अभी क्या हुआ, मैंने वो जो घड़ी मंगाई है ऑनलाइन, मैंने आपको दिखाई हुई थी विंटेज क्लॉक, तो वो मैंने मंगा ली, अच्छी बहुत लगी, आप लोगों को भी अच्छी लगी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, स्पेशली उसका रेड कलर। और लेकिन क्या हुआ, मैंने क्या किया था इस बार, पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने बिना पूछे अपने हस्बैंड से कोई चीज ऐसे ऑनलाइन मंगाई, नहीं तो मैं जब भी कोई भी चीज मंगाती हूँ ना तो अपने हस्बैंड को पहले दिखाती हूँ कि आपको कैसी लग रही है, लूं या ना लूं। लेकिन मुझे इस बार लगा कि चलो थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं, हस्बैंड को एक सरप्राइज होगी। तो मैंने घड़ी मंगा ली, लेकिन क्या हुआ कि अच्छी तो लगी रही है वो, लेकिन मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आई। तो उन्होंने कहा कि रजनी तुमने एक तो इतनी बड़ी घड़ी ले ली, अब इसको हम जहाँ लगाएंगे, क्योंकि एक ही कॉर्नर है यहाँ पर ना इधर किचन के बाहर, इसी कॉर्नर पे हम उसे लगा सकते हैं ताकि हम दोनों साइड से उसका टाइम देख सकें। और वो जो घड़ी है जब ये आएंगे जाएंगे मेरे हस्बैंड ना, तो उनके सर में टकराएगी। ये मैंने बात उस वक्त नहीं नोटिस की क्योंकि वो बड़ी है और ऊपर से इनकी हाइट भी काफी है, ये 6 फीट से भी ज्यादा लंबे हैं, तो इसकी वजह से इनके सर में ना लगे वो। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, बिना बताए इनसे काम किया, और मैं अब पछता रही हूँ कि ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं सोची कि इनके सर में टकराएगा। और अब वो रिटर्न भी नहीं हो सकती क्योंकि उसके जितने दिन थे ना रिटर्न होने के, उससे काफी ज्यादा टाइम ऊपर हो गया, वो रिटर्न भी नहीं होगी। और अब इन्हीं से बोलूँ कि थोड़ा संभल के चलेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। और मुझे पसंद भी आ गई है ना इतनी, मेरा मन भी नहीं है उसको बदलने का। और कोई वो वॉल के पास ही तो लगेगी, कौन सा हम वॉल से इतना चिपक के चलते हैं। लेकिन अगर ये गलती से भी किसी दिन टकरा गए ना, तो उस दिन ये मुझे बहुत सुनाने वाले हैं और मुझे बहुत कुछ सुनने को मिलने वाला है। यहाँ बाहर बैठ के आज बालकनी में चाय पी रही हूँ। नीचे आज काम भी नहीं चल रहा, नहीं तो कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहता है। मैंने बताया ना कि बालकनी में फिर बैठती हूँ तो बहुत शोर आता है, खटपट आता है, लेकिन आज नहीं था। तो एकदम से कैमरा उठा लाई और मैंने सोचा चलो आपके साथ बात भी करती रहूंगी और चाय भी पीती रहूंगी। बाहर बहुत ही सुंदर ना इस साइड सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, एकदम गोल गोल गोल, एकदम गोल, बिल्कुल बॉल जैसा। अब अच्छा लगने लगा है, मौसम थोड़ा थोड़ा सा ठीक हो रहा है ना, तो बैठ के मजा आता है यहाँ पर।